देखिए, सदस्यता दिलाने की प्रक्रिया होती है, या तो फॉर्म भरे जाएं और या तो फिर मोबाइल से, जो हम लोगों के सिस्टम चल रहे हैं सदस्यता अभियान के, कि मोबाइल से नंबर मिलाए जाते हैं। तो बच्चे तो इंटर के बच्चे थे, लेकिन तो सदस्यता का कोई कार्यक्रम नहीं था। यह कार्यक्रम था, बच्चों ने मुझे पुस्तकालय के वहाँ बनवाने के लिए मुझे बुलवाया था। तो मैं विद्यालय बंद होने के बाद, मैं लगभग 12:30 बजे, 1:15 बजे मैं पहुँचा हूँ। उसके बाद कुछ बच्चे थे, बाकी बच्चे चले गए थे। तो बच्चों से हमने उनके पुस्तकालय के बारे में कहा कि अगले वर्ष जब हम आएंगे तो उस पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे। इसका मतलब पुस्तकालय मुझे बनवाना था, इसलिए मैं वहाँ गया था। दूसरा विषय ये था कि अभी सदस्यता अभियान हम लोगों के पार्टी का चल रहा है, और उस सदस्यों बच्चों ने मुझसे ये मांग की कि सर आपने पट्टे रखे हैं क्या? हमने कहा हाँ, पट्टे ज़रूर रखे हैं, सदस्यता अभियान चल रहा है। बच्चों ने पट्टों को लेकर के अपने गलों में पहन लिया। उसके बाद बच्चों ने कहा फ़ोटो हो जाए, बस मामला यही है, फ़ोटो खिंचाना। अगर सदस्यता अभियान को आप समझते हैं, तो जिनकी मानसिकता ख़राब है, कुछ लोग उंगली उठा रहे होंगे, तो ये कोई विषय नहीं होता, ना कोई मुद्दा होता है। स्कूल बंद हो चुका था, उसके बाद ये कार्यक्रम हुआ, और हम लोगों ने सरकार की, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, उससे बच्चों को जोड़ने के लिए हमने कहा था। कोई सदस्यता अभियान का कोई कार्यक्रम स्कूल में या बच्चों के साथ नहीं था। बात वहाँ पे होती है उठती है कि आप पट्टे पहना रहे हैं बच्चों को, उससे लोगों विपक्ष हमलावर है कि बच्चों तक बीजेपी राजनीति कर रही है। देखिए क्या है, पट्टे पहना देना से कोई सदस्य नहीं हो जाता। बच्चों की इच्छा है तब बच्चों को पट्टे दिए गए हैं, बच्चों को पट्टे पहनाए गए। कोई ऐसा नहीं है कि हमें जबरदस्ती पकड़ के पहना दिया या हमने कोई उनके साथ गलत व्यवहार कर दिया। ये तो बच्चे भी बता सकते हैं आपको, बच्चों ने साथ बताया भी है कि विधायक जी किस लिए आए थे। लेकिन जो लोग मुद्दा बना रहे हैं, उनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा भी नहीं है। कुछ और मुद्दा होता तो अच्छा लगता, अच्छी बातें होती। लेकिन आज हमारी सरकार जो गरीबों के लिए छोटे छोटे गाँव में भी काम कर रही है, बड़े बड़े गाँव में भी काम कर रही है, चाहे शौचालय हो, आवास हो, गैस हो, जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो सरकार कर रही है। उनके विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलने के लिए, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में बोलने के लिए। तो अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी को मुद्दा बना रहे हैं, जबकि ये कोई विषय नहीं होता है। जनता समझती है, जानती है, बच्चे भी जानते हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है।